एक माँ अपने बच्चे को बड़े प्यार से लोरी सुनाती है ताकि वो चैन की नींद सो जाए, मीठी मीठी नींद में सपनों की दुनिया में खो जाए। लेकिन आज एक माँ अपने बेटे को विदाई की लोरी सुना रही है ताकि वो हमेशा के लिए सो जाए, उसे मुक्ति मिल जाए और वो दर्द से दूर हो जाए। यही तो चाहती है एक माँ। उसके बच्चे को जरा सी खरोच लग जाए तो आंखों में आंसू निकल आते हैं। लेकिन आज तो वो अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है, तो माँ के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। विधान तो देखिए, जब वो दुनिया से रुखसत हो रहा था तब उसे सारे रिश्ते मिले, माँ का बेशुमार प्यार मिला और वो लोरी सुनने को मिली जिसे सुनने के लिए बचपन से उसके कान तरस गए थे। अर्जुन के हाथों मारे गए कर्ण की भावभीनी विदाई सदियों तक याद रहेगी। उस माँ के आंसू याद रहेंगे जो उसकी विदाई में बहे। एक माँ के लिए उसके बच्चे से दूर होने का दुख सिर्फ वही जानती है। हाँ, क्योंकि जब पहले था कि शत्रु था, बट अभी सामने आया है कि खुद का सगा भाई है। सो वो जब चीज पांडवों को पता चली तो वो दर्द पूरा निकल कर आया, वो इमोशन निकल के आया कि मुझसे मेरे भाई से, मुझसे मेरे हाथ से मेरे भाई का वध हो गया। बरसों बाद मिली माँ से ढेर सारी बातें करने के बाद कर्ण ने अपने अनुज अर्जुन से भी ढेर सारी बातें की। दिल की वो बात कही जो महाभारत की कर्म भूमि में वो कभी नहीं कर पाया, उसका अंतिम संस्कार अर्जुन के ही हाथों हो। इस गुहार के साथ कर्ण ने अपनी अंतिम सांसें ली और देखो वो सबको रोता हुआ छोड़ गया। कौरवों और पांडवों की इस महाभारत में कई रिश्ते ताक पर लग गए, कई रिश्तों का अंत भी हुआ और कई अपने पराए भी हो गए। इस महाभारत में हुई हर विदाई, हर अध्याय सदियों तक याद रहेगा। लेकिन आज कुंती के अपने बेटे के लिए आंसू सब कुछ बहा कर ले जाएंगे। ABP News Report।